क्वेश्चन है 3/4 होल टू द पावर माइनस 6 इंटू 4/3 होल टू द पावर माइनस 8 इक्वल्स 3/4 होल टू द पावर n। इसमें n का वैल्यू फाइंड करना है। तो 3/4 होल टू द पावर माइनस 6 इंटू, और ये जो 4/3 होल का पावर माइनस 8 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3/4 होल का पावर 8। ये पावर माइनस 8 से 8 हो जाएगा इन्वर्स करने पर, और इक्वल्स 3/4 होल टू द पावर n। हम लोग को एक्सपोनेंट का लॉज पता है, जब बेस सेम हो जाता है तो हम बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 3/4 होल का पावर माइनस 6 प्लस 8 इक्वल्स 3/4 होल टू द पावर n। 3/4 होल टू द पावर माइनस 6 और प्लस 8 क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स 3/4 होल टू द पावर n। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही बेस सेम हो गया है, इसीलिए n इक्वल्स हो जाएगा 2।